வரகாத்தும் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 2014 में हमारे मोदी जी ने फरमाया था, मैं चाय वाला, चाय वाले से 2019 में उन्हें बनवाया कि वो चौकीदार है। चौकीदारी, घर की चौकीदारी तो उनको करने नहीं आता है, तो देश की क्या चौकीदारी करेंगे। जब एक इंसान घर जीना, बीवी बच्चे कैसे गुजारा करते हैं, कैसा घर चल जाते हैं, कैसा जीना होता है, वो खुद मालूम नहीं, सो इंसान है वो, तो वो इस देश की कैसा सुरक्षा करेगा, इस देश की कैसा वो चौकीदार बनेगा। वो हमें तो झूठ बोल बोल के, जितना झूठ बोलने हुआ उतना बोल दिया, वो रोड भी बेच दिया। आजकल टोल इतने टोल आ चुके हैं कि रोड भी उसने बेच दिया, कल हमें भी बेच देगा। लेकिन हम लोग ये चीज को समझते नहीं है कि हमारा ये वोट इस इंडिया की तकदीर को बदल सकता है, इस तमिलनाडु की तकदीर को बदल सकता है। इसकी वजह है हम अब ईमान वाले हैं, हमारा वोट हम बेचेंगे नहीं। हम क्यों हमारा वोट बेचेंगे? वोट बेचना भी एक ही है, ईमान बेचना भी एक ही है। हमें खुद को ये चीज पहचानना है कि हमारा वोट कितना वैल्यू है। मेरे मुसलमान भाइयों, एक चीज आप सोचिए कि बीजेपी सरकार आज तक हमें क्या किया, क्या दिया? हमारे औरतों को रोड पे चलने नहीं दे रहे लोग, हमारे मस्जिद में हम आवाज से अजान नहीं दे सकते, हम अपने मस्जिद में हम आवाज से अजान नहीं दे सकते, रोड पे हमारे औरत बच्चे चल नहीं सकते, एक अच्छी सी एक एजुकेशन नहीं दे सकता है, हम घर में सुकून नहीं रह सकते। इसकी वजह ये बीजेपी है, बजरंग दल है और आरएसएस है। लेकिन अब हमें एक मौका मिला है फिर कि हम अपने इंसान को बराबर हम उसे चुनेंगे, किसको हमारा वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। चाहे ये लोग सर पे टोपी पहन के आपके पास आके वोट पूछ ले, लेकिन ये अपनी जात की चाल बदलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जात ही बराबर नहीं तो चाल कैसा बदलेंगे। आप दूसरी एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लोग हमारे पैर भी पड़ेंगे, भाई आप वोट डाल दो, देखो मैं ये करता हूं, मैं फला करता हूं, मैं फिला करता हूं, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। दो लोग हैं इस तमिलनाडु में, एक डीएमके और एक डीएमके। डीएमके ये डीएमके को बुरा बोलेगी, ये डीएमके डीएमके को बुरा बोलेगी, दोनों को एक बुरा करते रहेंगे, लेकिन हमारा क्या, हम तो उसमें मर जाएंगे ना। ये लोग कुछ भी हमें करने वाले नहीं, ये बोलेंगे हम तुम्हारे को ये करेंगे वो करेंगे, जेल से आदमी को निर्दफा कर देंगे, हम टोल गेट का ये माफ कर देंगे, नीट एग्जाम नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ भी उखाड़ेंगे नहीं ये लोग। क्या वजह क्या है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, घर में सुकून से सो नहीं सकेंगे। अगर ये एक बार आप ये लोग को वोट डाल दिए, समझ जाए जिंदगी भर आप गुलाम बन के रहेंगे। हमें गुलामी पसंद नहीं है, हम गुलाम बनानों में से है, गुलाम बननों में से नहीं है। ये चीज आपको मैं समझाता हूं, पुलवामा में जो अटैक हुआ वो अटैक क्या मोदी को मालूम नहीं था? तमिलनाडु इंडिया में आके हमारा जो उड़ोतरे नंबर वन डिपार्टमेंट है, ये सब इसकी चाल है, और इसमें एक मुसलमान आदमी भी शहीद हुआ। क्यों आज तक मोदी ने या बीजेपी कोई भी लोग उसके घर पे नहीं गए? क्या वजह क्या है ये मेरे को बताइए। जितने भी शहीद हुए थे सबके घर गए, हम इंसान नहीं है? वो देश के लिए जान नहीं दिया था? ये सोचिए आप, ये लोग हमारे बिल्कुल खुसूसन खास दुश्मन है। ये लोग ऐसे दुश्मन है कि साथ रह के मारने वाले के दुश्मन है ये लोग। आसिफ का केस क्या हुआ, हम सीबीसीआईडी को देंगे, ये देंगे, फला देंगे, इकला देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ का केस खत्म हो गया, वो भी हमारी बच्ची है ना, अगर ये हमारी बेटी के ऊपर होता हम छोड़ देंगे? अब मेरे को बताइए भाइयों, हम छोड़ देंगे? कितने आसिफ हम गवाएंगे, कितने बहनों को हम गवाएंगे? लेकिन आज एक वक्त आ गया कि हम इनको भगा दें, इधर से हम इनको इंडिया छोड़ के भगा दें।
ये लोग ने आज तक क्या किया, ये सरकार ने आज तक क्या किया? जैसा हमारे बहन बोले, मिक्सर खाने के लायक ही वो लोग, कुछ करने वाले नहीं, बस वोट ले लो, अपने जगह बैठो। कितने परेशानियां गुजर रहे हैं, रोड सही नहीं है, खड्डे खोद रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, सब परेशान है। और सिंपल से एक बात है, होली में जुम्मा की नमाज थोड़ा 2 घंटे के बाद करो, क्या सही है? होली के लिए जुम्मा की नमाज का टाइम चेंज, दिवाली के लिए फजर के नमाज का टाइम चेंज, कल ईद की नमाज भी इनके पास पूछ के करना पड़ेगा कि हमें? मेरे भाइयों, आप मौका दे दें आपको अल्लाह ने, ये मौका इस्तेमाल कर दीजिए आप, क्योंकि कल ईद की नमाज के लिए भी परमिशन पूछने चाहेगी, बांग के लिए भी परमिशन पूछने जाएगी, यह हमें जरूरत है। ये बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, सब एडीएम के, डीएम के, सब पूरे एक ही है, हमें कोई जीने नहीं देगा। भाइयों, आपको बता रहे हो, हमको जीने नहीं देंगे लोग। अभी हमारे पास वक्त है कि सही इंसान को हम चुनाव करेंगे और उसको हम वोट डालेंगे, और वोट डालने के बाद अगर वो काम नहीं किया ना, तो हम उसकी शर्ट पकड़ के पूछ सकते हैं कि इतनी ताकत है। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं, गाड़ी में बैठेंगे, वोट पूछेंगे, आपका वोट लेकर निकलेंगे, और क्या करेंगे बताइए? आपको कुछ भी नहीं, पेट भरे बातें करेंगे, खुशी से एकदम, आपको जितनी खुशी देना चाहिए बात में उतने देंगे, 1000 या 2000 रुपए वोट को देंगे। लेकिन 1000-2000 रुपए खो के उनका वो इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट है, ये पॉलिटिशियंस का इन्वेस्टमेंट है। आपको 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 2000 का 2 लाख रुपए कमाएंगे। वो जैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसा वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपको वोट में इन्वेस्टमेंट करके वो 2 लाख रुपए कमाएंगे एक वोट में। ये हमको सोचना चाहिए, क्यों हम उनके पास हमारा वोट बेचे? हमारा वोट की एक ताकत है, सारे इंडिया को हिला सकता है एक वोट। अगर एक वोट भी कम है ना, किसी का कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए अब 1000 बार भी सोच के, समझ के अपना निशान सोचिए, क्या निशान में लगाना है हमें। हर इंसान पैसे की तकलीफ सब कुछ है, लेकिन आज मोदी ने ऐसी हालत कर दी कि अच्छे अच्छे को रोड पर लेके आएंगे, फिर इनको लेके आएंगे तो हाथ में भीख का खोटा दे देगा वो। मोदी फिर हमारे हाथ में भीख का खटोरा दे देगा वो। इसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि सोचिए, क्योंकि अल्लाह हमारे को वक्त दिया है, अल्लाह सोच दिया है कि किसे हम बराबर चुनाव करें। ये आदमी सही है, ये आदमी हमारे मोहल्ले को काम करेगा, कल आने के बाद हमारे अच्छे बुरे में साथ देगा, तो उसको हम चुनाव करें। ऐसे वैसे गैर आदमी क्यों चुनाव करेंगे हम? देखिए, कोई भी इस देश में सही नहीं है, जैसे ये लोग वैसे ही वो। अब अगर डीएम के भी जीत के बैठा तो ऊपर कौन बैठा है? वही तो बैठा है। कौन? हमारा चौकीदार, हमारा चौकीदार ही ऊपर बैठा है। अब ये भी जाके उनकी मुलाकात मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये सब इनका ये साजिश है, ऐसी साजिश है कि गुमराह करने की साजिश है, कि हम लोग को गुमराह करें, हम लोग को रास्ते पे लेके आ जाए। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, ये इनका खुद बयान है कि मेरे को एक मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए। अब मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए तो मुसलमान के मोहल्ले में आके वोट क्यों पूछ रहे हैं? 40 पर 2 लोग को यूपी में इलेक्शन में खड़ा है, लेकिन उसमें एक मुसलमान भी नहीं। तो ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? ये आके हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू का जमीन नहीं है, और बीजेपी आके पाकिस्तान का नाम लेके पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जाके खाएगा उधर पे खीर और बदनाम करेगा हमें। वो से पिक्चर में भी देखिए आप, वो से मूवी में देखिए कि वहां एक ही शख्स है, अगर वहां टेररिज्म है तो मुसलमान, क्या मुसलमान उतना आसान है? और ये मेरे को एक सवाल करना चाहता हूं मोदी जी से कि ये जब हिंदुस्तान की जंग लड़ी थी तो कोई बीजेपी का आदमी नहीं, आरएसएस का आदमी नहीं, बजरंग दल का आदमी नहीं, कोई भी नहीं, उधर पे हमारे मुस्लिम थे, हजरत टीपू सुल्तान थे उधर, तो इनको ये आदमी दिखा देना पड़ता। लेकिन गांधी को गोली मारने वाला इनका आदमी, लेकिन वो आके टेररिस्ट नहीं है, वो आके फिरवादी नहीं है, लेकिन है टेररिस्ट कौन है? मुसलमान। क्या मुसलमान इतना आसान है? एक अगर पूरे मुसलमान सोच दिए तो मोदी का रास्ता बदला दे। लेकिन ये चीजें ऐसे हैं कि वो इस्तेमाल कर रहा है हम लोग, जितने बहुत से मुसलमान लोग बीजेपी में जाके जम गए, इसलिए पैसे के लिए, पैसा आज रहता है कल नहीं रहता है। लेकिन ये सुनना चाहिए ना कि ईमान को बेच देंगे पैसे के लिए?
ईमान उतना कमजोर है तो है मुसलमानों को एक ही चीज बोलता हूं मैं कि हमारा ईमान हम मजबूत रखेंगे और हमारे भाई जो पांव इधर उधर पे चुनाव के लिए खड़े हुए हैं चुनाव के लिए जो खड़े हुए हैं ये हमारे भाई हैं इंशाल्लाह ये आप लोग के हर परेशानी को दूर करेंगे इनके दरवाजे सुबह शाम जाके आप दरवाजे पे ठोक के उठा के बोल सकते हैं पावेंद्र जी हमारे को ये प्रॉब्लम है आप हमारा प्रॉब्लम क्लियर कीजिए ये आएंगे आपको क्योंकि एक चीज बोलता हूं मैं आपको हर चीज ऐसे ही नहीं मिलती है मेहनत से मिलती है आज ये मेहनत कर रहे हैं इसका हल जरूर मिलेगा लेकिन ये चीज भाइयों आपको मैं बार बार एक चीज बोलना चाहूंगा शैतानों से दूर रहिए ये एक शैतान है शैतान का बाप है कौन मोदी तो मोदी से दूर रहना ही हमारा काम है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके इनको हम अपना निशान लगाएंगे और इनको जिताएंगे इंशाल्लाह वाखर बावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू இது வரைக்கும் இங்க எங்க தலைமையில நஞ்சடிச்சு குடிச்சவெல்லாம் நல்ல கவிட்டா இந்த நேரத்துல என்ன உருது பேசும் இஸ்லாமியர்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி எதிரான கட்சி பேசுற வாயிலெல்லாம் இந்த நோலிசார மண்ணுதான் இருக்கு அப்பதான் வெடிக்க வராங்க அந்த தம்பி நந்தகுமார் அவர்கள் உங்களுடன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழர் என்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் இங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாதல் கண்டேன் திங்களோடும் செழும்பரதி தன்னோடும் விண்ணோடும் மண்ணோடும் மங்கள் கடல் இவற்றோடு பிறந்த தமிழுடன் பிறந்த நாங்கள் ஆண்மை சிங்கத்தின் கூட்டம் என பெரியோருக்கு ஞாபகம் செய் சிங்களம் சேர்த்தின்னாட்டு மக்கள் வீராணி வீரர் என்று ஊது சங்கே பொங்கு தமிழருக்கு இன்னல் நேர்ந்தால் சங்காசமென ஊது சங்கே ஊது வெங்காடு சாக்காட்டில் விளையாடும் எங்கள் தோள்கள் வெற்றி தோள்கள்